भारत में कबड्डी का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन समय से कबड्डी खेली जा रही है। मेरा नाम मोहित नरवाल है। मैं गांव कथूरा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मैं अभी हाल ही में गुड़गांव में रहता हूं। मैं एक नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर हूं। मैं काफ़ी छोटा था तो पहले मेरे पिताजी कोच थे कबड्डी के। हमारे गांव में ग्राउंड होता था, गांव में एक क्लब है कबड्डी का, वहीं में ग्राउंड था, मेरे पिताजी वहीं सिखाते थे। तो बचपन से हमारे गांव में सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम है कबड्डी, तो हम वहीं स्टार्टिंग से वहीं जाते थे। स्टार्टिंग में इतने मेच्योर नहीं थे, सिर्फ ऐसे जाते थे खेल के आगे ना के आगे। सभी में खुशी का माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था, एक्साइटेड थे सभी। कोई भी जीतता है किसी भी गेम में, स्टार्टिंग में फर्स्ट जीत उसकी हमेशा याद रहती है, क्योंकि फर्स्ट जीत होती है उसी से आदमी प्रेरित होता है, आगे बढ़ता है। तो बहुत खुशी मिली उस खेल की। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर कबड्डी खेलना शुरू किया, तो उसके बाद ऐसे ही अभी तक खेलते हैं। काफ़ी मेहनत का गेम है, मेहनत जरूर करनी पड़ती है इसमें। दो टाइम तीन टाइम गेम आते हैं, तीन तीन टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वैसे नेचुरली दो सुबह शाम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तीन चार घंटे सुबह, तीन चार घंटे शाम को उसमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जैसे ऐसा होता है कभी हम गेम में कैंप में कोच छुट्टी नहीं देता है, किसी दोस्त की शादी है या खुद परिवार में कोई फंक्शन है तो हम आ नहीं पाते उसमें। कभी दोस्त बोलते हैं टाइम नहीं दे रहे हो, आते नहीं हो, तो कहीं नहीं जा पाते हैं, सब कुछ अवॉइड करना पड़ता है, रिलेशन, रिश्तेदारी, घर, तो इसमें काफ़ी इमोशनल रहना पड़ता है, इसमें काफ़ी वो लगता है। फिर कबड्डी खेलते खेलते मेरी लाइफ में काफ़ी बदलाव हुआ है, और डिसिप्लिन जो मेन डिसिप्लिन होती है लाइफ में, डिसिप्लिन आता है, अच्छी मेच्योरिटी आती है। कबड्डी पहले नॉर्मल गेम था, तो अभी कबड्डी ने 2014 के बाद जब से प्रो कबड्डी आया, लीग प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट हुई है, कबड्डी का स्टैंडर्ड चेंज हो गया, पूरा एक हाई लेवल पे आ गया है। इंडिया बिगेस्ट सेकंड लीग, क्रिकेट के मुकाबले लीग आ गई है सिर्फ 4 साल में। तो हमारा ये मानना है कि एक दिन क्रिकेट को फेल कर दे, क्रिकेट से बड़ी लीग हो, क्रिकेट से बड़ा गेम कबड्डी होने वाला है। एशियन गेम्स में तो ऑलरेडी पहले ही ओलंपिक में गेम जाने वाला है, तो बहुत बड़ी लीग, बहुत बड़ा गेम आप इसको बोल सकते हो, बहुत इसने वो किया। कोई बच्चा माँ के पेट से प्लेयर पैदा नहीं होता, ज़मीन बनाती है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई भी खेल सकता है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कोच की जो शिक्षक गुरु है उसकी शिक्षा के अनुसार चलना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे सीनियर ने हमारे को सिखा, कोई नई जनरेशन आएगी हम भी कोशिश करेंगे, जो हमारे सीखना चाहें हम उनको सिखाएंगे। और ये कबड्डी तो हमारे हिंदुस्तान में विरासत में मिला हुआ गेम है, हमारा महाभारत से चला हुआ गेम है, तो इसमें तो जो भी नए प्लेयर आते हैं सीनियर हमेशा उनको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। सिर्फ जूनियर होता है उसको कुछ सीखने की भूख होनी चाहिए, अगर वो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करेगा, अच्छी उसकी इज्जत करेगा, उससे कुछ सीखेगा, सीनियर उसको कुछ ना कुछ बातें ज़रूर बताएगा। नई पीढ़ी आ रही है, स्वागत है उनका, साथ में मेहनत करेंगे तभी खेल आगे बढ़ेगा।